जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सफल अभ्यर्थी। क्या नाम है, कहां से आप हैं? मेरा ममता मरांडी है, मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं, जो कि संथाल परगना रीजन में है। संथाल काफी पिछड़ा हुआ है, ममता जी वहां पर रह करके इस प्रतियोगिता की तैयारी कर पाना कितना मुश्किल है, आपने किस तरह से तैयारी? मुझे लगता है एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो कोई भी कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे मेरी सफलता में मेरे माता पिता का बहुत योगदान था, वो दोनों ने मेरे लिए बहुत किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो छात्र युवा वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों को सफलता पाने के लिए क्या कुछ करना होगा? आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या कुछ कमी है जो वहाँ पर अभी भी दूर करना जरूरी? जैसे मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो उसमें जैसे मेरा मेंस नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें मैंने एक ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया। तो इसका तो मैं यही कहूँगी कि डिसिप्लिन में मैं पढ़ना, जैसे मैं 3 साल से लगातार तैयारी कर रही थी, और 6 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए एक विद्यार्थी को अगर सफल होना चाहते हैं। आपके घर में पहले से कोई सरकारी जॉब में है या फिर पहले आप हैं जिसको सरकारी नौकरी मिली? हाँ, जैसे मेरा जो फैमिली है वो एक, जैसे मेरा जो जगह है, मैं बड़ा सिमड़ा गांव की रहने वाली हूँ, जो कि ECL द्वारा विस्थापित किया गया है, तो उन्हीं के बदौलत हमें थोड़ी बहुत नौकरी मिली है। तो मेरे ख्याल से मैं पहली हूँ प्रशासनिक अधिकारी में। कितने खुश हैं घर वाले? हाँ, जो मेरे जो बड़े दादाजी थे वो ईश्वर मरांडी थे, वो 3 टर्म के लिए MP रह चुके हैं वहाँ से, राजमहल एरिया से। क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा तैयारी कर रहे हैं, JPSC का जो विवाद रहा है, भरोसा जो कम हुआ है, आपने सफलता हासिल की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, JPSC जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मैं तो बोलूँगी आप इस पे विश्वास कीजिए, और साथ में जो हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी अच्छा पहल कर रही है। जैसे इतना कम समय के अंदर में 252 लोगों का चयन हुआ, तो मैं तो इसको अच्छा ही मानूंगी कि आप लोग कर सकते हैं इसका तैयारी। आपके मन में कोई ऐसा सवाल था जो बहुत रोचक था, इंटरेस्टेड था, जो इंटरव्यू के दौरान पूछा गया? मुझे ज़्यादातर ट्राइबल्स एरिया पे पूछे गए थे, तो वो तो मैंने काफ़ी डीपली स्टडी किया था और अनुभव की भी किया है कि कैसे वहाँ के जनजाति लोग रहते हैं, तो इसके लिए मेरे लिए थोड़ा सा इजी था वहाँ पे। जिस जनजाति समाज की बात कर रहे हैं, उनके सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी आप बनी हैं, जैसे जो भी हमारा काम, तो जो गवर्नमेंट की योजना है उसको ज़मीन पर उतारना है, तो जैसे जो भी अगर कोई भी वन योजना या कुछ भी योजना है, तो मैं चाहूँगी कि उसका बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हो पाए ज़मीन पर। तो सपने अभी काफ़ी हैं जिसे पूरे करने हैं। आपने सुना कि एक संथाल के क्षेत्र से एक लड़की को निकलकर इस मुकाम तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, अब ये अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे और राज्य के विकास में हाथ बटाएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।